हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल AITC गुरु जी में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 मई 2019 से 10 मई 2019 तक के जो करंट अफेयर्स हैं, यानी टॉप 80 क्वेश्चन। उन सभी 80 क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस बैंक द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन कार लोन जारी किए जाने की घोषणा की है। तो ग्रीन कार लोन जो घोषणा की है वो SBI ने की है। क्वेश्चन नंबर दो है, हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश ने हिंदू पिता मुस्लिम माँ की बेटी को जन्म प्रमाण पत्र दिया है? पाकिस्तान, कुवैत, अफगानिस्तान या UAE? तो आंसर आ जाएगा इसका UAE को। क्वेश्चन नंबर तीन है, किस देश में मानव के सबसे प्राचीन पैरों के निशान खोजे जाने का दावा किया है? तो मानव के सबसे जो प्राचीन पैर हैं उनके खोजे जाने का दावा किया है, कहाँ किया गया है, ये चिली में। क्वेश्चन नंबर चार है, नेपाल ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट से कितनी मात्रा में कचरा इकट्ठा करने की अनुमति दी है? तो आंसर आ जाएगा 3000 इसका। पाँचवा क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस जगह पर बौद्धिस्त की 1700 पुरानी मूर्ति की खोज की है? तो बौद्धिस्त की 1700 पुरानी मूर्ति की जो खोज की है वो तेलंगाना में की है। क्वेश्चन नंबर छः, हाल ही में किस देश को बैंक नोट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बैंक नोट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया ये कनाडा को किया गया है। क्वेश्चन नंबर सात है, किसे हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार दिया गया है? तो वायुसेना के जो उप प्रमुख हैं वो है एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया। क्वेश्चन नंबर आठ है, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर 4000 वर्ष पुरानी कब्र ग्रह की खोज की गई है? तो 4000 वर्ष पुरानी जो कब्र ग्रह की खोज की गई है वो सनोली में की गई है। कहाँ? सनोली में। क्वेश्चन नंबर नौ है, हाल ही में किसे गैर ब्रिटिश क्रिकेटर को पहली बार मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये कुमार संगकारा आ जाएंगे श्रीलंका के। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति द्वारा हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया है? तो ये आ जाएगा मसूद अजहर को। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस दिन प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओडिशा के तटों से टकराने वाला फानी नामक जो चक्रवर्ती तूफान है उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है, उसका क्या नाम है? तो ये आ जाएगा 1938। क्वेश्चन नंबर 13 है, नासा द्वारा जानकारी के अनुसार 99942 अपोफिस नामक एस्ट्रॉइड किस वर्ष पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेगा? तो ये 2029 में गुजरेगा। 14वां क्वेश्चन है, 2018-19 में भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकृत देश कौन सा रहा है? तो 2018-19 में ये ईरान रहा है। 8वीं एशियन यूथ विमेन हेडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन निम्नलिखित में से किसी स्थान पर किया गया है? तो ये जयपुर में किया गया है। कहाँ? जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत और किस देश की नौसेनाओं के संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण का पहला भाग गोवा समुद्र तट के पास आयोजित किया जा रहा है? तो जो वरुण नौसेना का अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसरो द्वारा जानकारी के अनुसार मिशन चंद्रयान को किस समय लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है? तो मिशन चंद्रयान ये 9 से 16 जुलाई के मध्य किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत और किस देश की नौसेनाओं के संयुक्त, तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को, तो इसका आंसर आ जाएगा जो वरुण है वो फ्रांस है। और 19वां क्वेश्चन है कि जो मिशन चंद्रयान है कब लॉन्च किया जाएगा, ये 9 से 16 जुलाई के मध्य किया जाएगा। 20, जापान का नया सम्राट कौन बनाया गया है? तो जापान का जो नया सम्राट है वो नारुहितो है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में भारतीय निशानेबाज महिला 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी बन गई हैं, तो उसका नाम क्या है? अपूर्वी चंदेला है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में किस लेखक को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 दिया गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार ये राणा दास गुप्ता को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाल ही में किस देश को बैंक नोट ऑफ द ईयर दिया गया है? तो अभी बताया था ये कनाडा है। 24, किसे वायुसेना का उपप्रमुख बनाया गया था? तो ये एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया थे। और 25 तक की भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 4000 वर्ष पुरानी कब्र ग्रह खोजी गई? तो ये सनोली था। 26, हाल ही में किसे गैर क्रिकेटर बनाया गया था जो कि मेलबोर्न क्रिकेट का अध्यक्ष? तो ये कुमार संगकारा थे। 28वां क्वेश्चन है कि किस दिन प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। और ओडिशा में जो चक्रवर्ती तूफान है उसके लिए कौन सी हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है? 1938 से। और अपोफिस नामक एस्ट्रॉइड किस वर्ष पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेगा? 2029 में। और
2018-19 में भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति के लिए देश कौन सा था? ये ईरान था। और 32 है, 8वीं यूथ विमेन हेडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? ये जयपुर में किया गया था। तो यहाँ से न्यू क्वेश्चन है अब ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक के निर्माता के अनुसार लोकसभा चुनाव के परिणाम एक दिन बाद कितनी मई को रिलीज होंगे? तो 23 मई को चुनाव रिलीज होंगे और ये 24 मई को फिल्म रिलीज हो जाएगी। 34, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हीना सिंधु और अंकुर मित्तल का नाम किस पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किया है। 35 है, फ्रांस ने इसरो के किस पूर्व चेयरमैन को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि जो डीला लेजेंड ऑनर है उससे सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो वो कौन है? एस किरण कुमार है। कौन है? एस किरण कुमार। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने 2 मई 2019 को रूस में खेले गए अली अलीयेव टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ये जो जीता है वो स्वर्ण जीता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत और किस देश ने 2 मई 2019 को ICC रैंकिंग में सालाना अपडेट के बाद टेस्ट और वनडे रैंकिंग में स्थान बरकरार रखा है? तो कौन सी टीम है? ये इंग्लैंड है। 38, ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में उन्नत भारत अभियान के तहत किस शिक्षण संस्थान के साथ समझौता किया है? तो ये IIT कानपुर के साथ किया है। 39, किस प्राइवेट कंपनी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कार्गो विमान लॉन्च किया है? तो ये SpaceX ने किया है। 40, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने बोर्ड में पहली बार स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये जयश्री व्यास को किया है। 41 है, विश्व का कौन सा देश जो पहला जलवायु आपातकाल लागू करने वाला बन गया है? तो ये ब्रिटेन है। 42 है, हाल ही में किस देश में 4500 वर्ष पुरानी दो गुंबदों की खोज की गई है जिसमें अवशेषों और पुरातन कलाकृति भी प्राप्त हुई हैं? तो जो गुंबदों की खोज की है ये मिस्र में हुई है। 43 है, 17वीं लोकसभा के 5वें चरण के लिए 6 मई 2019 को कितने लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है? तो ये 71 सीटों पर हुआ है। 44 है, किस देश ने 4 मई 2019 को पूर्वी सागर में कम दूरी तक मार करने वाली कई मिसाइलों का परीक्षण किया है? तो ये जो परीक्षण किया है ये उत्तर कोरिया ने किया है। 45 है, वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश के सबसे 50 व्यस्तों की सूची में किस स्थान पर आया है? तो ये 23वें स्थान पर आया है। और 46 है, किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे पर लंबित वैश्विक सम्मेलन आयोजित करने का आह्वान किया है? तो ये भारत ने किया है। 47 है, किस देश के वायुसेना के जनरल टॉड वाल्टर्स को नाटो मिलिट्रा जो मिलिट्री अलन्यास का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी नियुक्त किया गया? तो कहाँ के हैं ये टॉड वाल्टर्स? अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने जीरो पेडेंसी नामक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो जीरो पेडेंसी ये दिल्ली उच्च न्यायालय ने की है। 49 से भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पिन वर्ग में किस चौथी पनडुब्बी का हाल ही में उद्घाटन किया है? तो ये जो किया है ये बेला का किया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस देश में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो G7 ये फ्रांस में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में किस भारतीय राजनेता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे नंबर 1 फॉलोअर बनने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये नरेंद्र मोदी ने बनाया है। किसने बनाया है? नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फानी प्रभावित ओडिशा के कितने रुपए की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है? तो ये 1000 करोड़ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के साथ चल रही वार्ता को धीमी प्रगति से हताश होकर 200 अरब डॉलर की वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने का विचार कर रहा है? तो ये चीन आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 54 है, सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई 2019 को VVPAT पर कितने विपक्षी दलों की याचिका खारिज कर दी है? तो ये 21 दलों की कर दी है। क्वेश्चन नंबर 55 है, विश्व अस्थमा दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो विश्व अस्थमा दिवस 2019 की थीम थी स्टॉप फॉर अस्थमा। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय डेयरी ब्रांड मूल के 30 मई से इंग्लैंड में खेले जाने वाले 2019 क्रिकेट विश्व कप के लिए एक प्रायोजक के करार पर समझौता किया, तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने दुनिया भर में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कितने पुरस्कारों की घोषणा की है? तो ये 2 पुरस्कारों की घोषणा की है। 58 है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस ये 8 मई को मनाया जाता है। 59, किस खिलाड़ी की आत्मकथा गेम चेंजर के नाम से रिलीज हुई है? तो गेम चेंजर जो है वो शाहिद अफरीदी की है। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाल ही में पनामा के राष्ट्रपति कौन बने? तो पनामा के जो राष्ट्रपति है वो लोरेंटिनो कार्टिजो बने हैं। 61, रात में लड़ने की क्षमता से लैस कौन से टैंक को भारत ने रूस से खरीदा है? तो ये T20 90 20 में है। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत के विभाजन का इतिहास लिखने वाले किस सिख विद्वान का हाल ही में निधन हो गया? तो वो थे कृपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस देश को 7 मई 2019 को फिर से अंतर सरकारी मंच आर्कटिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये भारत को फिर से चुना गया है।
64 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अमेरिका और किस देश के बीच हालिया तनाव की स्थिति को उभरते हुए दुनिया में एक खतरनाक अर्थव्यवस्था बताया है? तो ये भारत और चीन, वो अमेरिका और चीन के मध्य है। 65 किस मंत्रालय ने भारत में काली सूची समाप्त कर दी है? तो काली सूची ये गृह मंत्रालय ने समाप्त की है। 66 INS रंजीत को कितने साल बाद रिटायर किया गया है? तो INS रंजीत को 36 साल बाद विमुक्त किया गया है। 67 किस देश ने H1B1 वीज़ा के लिए शुल्क बढ़ाया है? तो ये अमेरिका का एक वीज़ा है। 68 अमेरिका में किए गए एक शोध के अनुसार कौन सा कॉस्मेटिक उत्पाद ब्लड स्ट्रीम को प्रभावित करता है? तो ये सनस्क्रीन करता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा ये जो मनाया जाता है ये आपका 6 से 12 मई के मध्य मनाया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, पहला आ जाएगा 1 से 7 मई के मध्य। 70 है कि हाल ही में UNP द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन के बीच में कुल सीमेंट का कितना भाग तैयार करते हैं? तो भारत और चीन ये 2/3 भाग तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, अमेरिका ने हाल ही में किस देश पर लोहा और स्टील सहित 4 धातुओं का निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये ईरान पर लगाया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत सरकार ने कितने अफ्रीकी देशों के साथ व्यापारिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 400 भारतीय व्यापारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है? तो ये 11 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस देश ने 8 मई 2019 को एक कार्यकारी आदेश जारी कर ईरानी धातुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये अमेरिका ने लगाया है। और क्वेश्चन नंबर 74 है, फेसबुक ने व्हाट्सएप पे को भारत में लॉन्च करने से पहले वैश्विक संचालन के लिए किस शहर में सेंटर खोलने की इसकी बात की है? तो ये लंदन में इसका सेंटर खोला जाएगा। 75 है, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम में सरकार द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गए झारखंड के मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और गुवाहाटी के न्यायाधीश क्यों बने हैं? तो ये आ जाएगा मुख्य न्यायाधीश S. Bopanna। 76 बाय सुप्रीम कोर्ट के BSF से बर्खास्त जो जवान थे उनका नाम हाल ही में वाराणसी से खारिज कर दिया, वह चुनावी लड़ेंगे, उनका नाम क्या था? तेज बहादुर। क्वेश्चन नंबर 77 है, ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी को किस साल परमाणु समझौते से आंशिक तौर पर बाहर निकलने की घोषणा करते हुए कहा है? तो ये आ जाएगा 2015। तो इस तरह से दोस्तों आज की जो वीडियो है वो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से लिंक दिया है और आप वहाँ से सॉल्व भी किए, उसके बाद आप आंसर देखिएगा। तो एक नई वीडियो के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।